महादेव एक छोटे मांझर नाम के गांव का छोटा किसान। महादेव ने शहर से आए प्रोफेसरी की मदद की और उन्होंने खुश होकर महादेव को शहर के कॉलेज में नौकरी देने का वादा किया। मगर इधर महादेव की पत्नी परमेश्वरी को गलतफहमी हो गई कि प्रोफेसरी ने अपने पति को प्रेम पत्र लिखा था। अरे लेकिन हुआ क्या, कौन तो बताया मुझे। प्रोफेसरी ने जेजी के लिए चिट्ठी भेजी है, बोलते हैं प्रेम पत्र है। महादेव के भाई गणेश की नाटक मंडली ने महादेव का साथ देकर परमेश्वरी का मजाक उड़ाया। महादेव कल हम जा रहे हैं, सुबह जल्दी काम में आ जाना। यही लिखा है ना इसमें? हाँ। वो तो अनपढ़ थी। महादेव शहर चला गया और गुस्से के मारे परमेश्वरी विदाई के समय भी उसके साथ कुछ भी नहीं बोली। बाद में जब वो जान गई कि अनपढ़ होने के कारण ही बिना वजह वो गुस्सा हो गई थी, उसे बड़ा ही दुख हुआ। परसों वहाँ नदी पे क्या हुआ पता है तुझे? क्या? मैं और इंदु थी ना। हाँ। तो वहाँ पे एक भैंस आई इंदु के पीछे। अरे ओ लड़कियों, कोई ये चिट्ठी स्कूल में जाके शत्रुघ्न को देके आएगी? चाची मुझे डर लगता है। शब्बा तुम जाएगी? ना बाबा। लाड़ी कहाँ गई? वो तो घर में गुदड़ी सीने बैठी है। अभी मुझे ही जाके नाटक मंडली को पूछना पड़ेगा। नाटक मंडली में जाएगी चाची। बोले गोरा कहाँ गए सबके सब? बाकी सब नहीं है मगर मैं हूँ। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यही तुम्हारे करीब हूँ मैं। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हूँ हनुमान जी और सिर्फ पुण्यवंतों को ही दिखाई देता हूँ। आज सुबह तुमने जो पाप किया है वो मैंने देखा है। पाटिल के खेत में से दो नौकी लेना क्या चोरी और पाप है? फिर झूठ। ठीक है अब दर्शन तो दे दे। दर्शन देता हूँ। अच्छा तो तू मुझे डरा रहा है हनुमान बन के? अभी दिखाती हूँ तुझे, अभी दिखाती हूँ मुझे डराता है चाची। मगर काम क्या था चाची? अरे शत्रुघ्न के लिए शहर से चिट्ठी आई है तो ये उसके स्कूल में पहुँचानी है। नहीं तो ऐसा कर उसे बुला लिया जा। स्कूल के चपरासी को चिट्ठी पढ़ने के लिए बुलाऊं? उसकी नौकरी नहीं जाएगी? और वैसे भी यहाँ कितने लोगों की नजर है उस नौकरी पर। और वैसे भी चाची मैं यहाँ से जा नहीं सकता। सूर्पनखा ने कल ताला खा दिया है? खो दिया, इसलिए मंडली ने मुझे यहाँ बिठाया है और सब बाजार गए हैं। ठीक है। जाओ को कैसे जाओ, उससे सो जाना अच्छा है। वही जेठानी जी आओ।
सब जने यही हैं। पूरा गांव छान मारा मैंने, मगर कोई भी नहीं बचा इस गांव में जो शत्रुघ्न को शहर से आई हुई चिट्ठी दे आई स्कूल में। क्यों, वो नाटक वाले कहाँ गए सबके सब? वो सब मिलके बाजार गए हैं बोला चंदर, और वो हनुमान बन के बैठा है वहाँ। इतनी भी जल्दी क्या है, शाम को आएगा तो पढ़ लेगा। और नहीं तो शाम को इतनी देर इंतजार क्यों करे? सुना नहीं तुमने, कल करे सो आज, आज करे सो अब, अर्जी अब ना की तो नौकरी गई समझो बस। ये तो नहीं सुना था मैंने। मैंने भी नहीं सुना था। मैंने सुना है, हमारे छोटे देवर जी कह रहे थे कल। उस प्रोफेसरी जैसी औरत होती ना तो जाती बन ठन के और ले आती अपने देवर को। उसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाके ले आती हूँ। तू जाएगी भाभी? तुम स्कूल जाओगी? वहां जाके पाव लड़खड़ाएंगे और मुंह से शब्द भी ना आएंगे। क्यों, कुछ नहीं होगा दीदी, तुम जाओ। बचपन में शहर में रह के आई है तो खुद को शहर वाली समझती है। मैं नहीं जानती थी तुम कब शहर में रही हो। रह चुकी हूँ जब मैं 1.5 बरस की थी, पूरे 8 दिन रह चुकी हूँ मैं। अच्छा, तभी तो इतनी होशियार है। दीदी तुम भी रही हो शहर में? नहीं, मगर बारिश में शहर से आई हवा और बादल सूंघे मैंने। अभी आई। दीदी बिल्कुल प्रोफेसर ही लग रही हो, वो नाटक वालों की सफेद बुक की है मेरे पास, वो लगाओ ना। मैं अभी आई। दीदी बिल्कुल प्रोफेसर ही लग रही हो, वो बिंदी थोड़ी ठीक कर दो। एक एक करके सब चली गई है, पिछवाड़े गई होंगी सब। जिसके आदमी की चिट्ठी आई है वो तो यहाँ बैठी है, उनके पेट में दर्द शुरू हुआ होगा। कौन सी मर्द की बात हो रही है? ओहो, अब क्या बताएं जेठ जी को, इनके कान तो हमारे भरत के टूटे रेडियो जैसे काम करते हैं। मैं अभी आई। अभी क्यों, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। हल्दी, अब हल्दी का मौसम है क्या? माफ करना, गलती हुई। होती है, होती है। लड़कियों परमेश्वरी गई? हाँ गई, हाँ गई। गई? क्या बताओ यार, कुछ क्या तू आना अपने रामलीला में।
टाइम नहीं है यार। क्या हुआ? इधर बिठा दिया मेरे को स्कूल में, स्कूल से किधर छोड़ने के जा नहीं सकता मैं। अरे वो सब छोड़ तू, इस बार ऐसा रामलीला बिठाया मैंने। हाँ तुझको तो मालूम है पिछले रामलीला क्या हुआ था। हाँ वो तमाचा। भाग भाग। क्या हुआ? वो नई मास्टर नहीं आ रही। चल चल भागते हैं। चपरासी शत्रुघ्न यादव कहाँ है? वो तो आपको लाने सुबह से स्टेशन गया हुआ है। सुबह से मुझे लाने? हाँ, जी हाँ मास्टरनी जी। मैं मास्टरनी नहीं। हा? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं आप नाराज मत होइए, उससे गलती हुई होगी, मैंने तो तुरंत पहचाना आपको। फिर मास्टरनी क्यों कहा? अभी मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ, इसलिए मैं अभी अभी आया। ए, ए, चुप चुप, सब बच्चे एकदम शांत रहेंगे, किसी की आवाज निकली तो मुर्गा बनाऊंगा उसका। नई मास्टर नहीं आई है। गोविंद जा, उसके लिए पानी लेके आ जा। ए, चुप चुप चुप। वो आता ही होगा, तब तक आप क्लास देखना चाहती है? आपका सामान नहीं, आप सामान कैसे उठा लाती, पैदल चल के आई आप। ठीक है, आपने शत्रुघ्न ले आएगा सामान। आइए आप क्लास में, चलिए आइए आइए। यहाँ क्या लिखा है? चप्पू, इंदू, सुनो सुनो तो। अरे हुआ क्या? अरे पर क्या हुआ बता तो। क्या हुआ, इतनी धापती हुई क्यों आई हो? बताओ बताओ ना। क्या स्प्रूट लाई है? भाभी स्कूल गई है। कौन सी बड़ी भाभी? हाँ बन ठन के प्रोफेसरी बन के। प्रोफेसर बन के? छाता लेके, चप्पल पहन के, चश्मा लगा के? अरे बाबा हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ ये नहीं ठीक। हे राम। राम, जब से मैं देखती हूँ गणेश भैया। क्या आप यहाँ हैं? चाची तो बोल रहे थे कि आप सब लोग बाजार गए हैं। अरे क्या गांव में आग लगी है? भाभी स्कूल गई है। पोथी पढ़ने गई स्कूल? शत्रुघ्न भैया को चिट्ठी दे दे। क्या? अरे ये तो सबको बताना पड़ेगा। चलो। अरे
बैठो बैठो बैठो, अब तू पढ़ ले। जाय गाय हाथ साथ झगड़ा पकड़ा मरद गारद मरद गारद। वाह 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 वाह, भाभी की तो कमाल है यार। हाँ यार, बिल्कुल मासा नहीं लग रही है। हाँ ना, अब तू पढ़ ले। चाय राय हाल माल समाचा। तुम एक पढ़ रहे हो और तुम दूसरा ही कुछ पढ़ रहे हो, तुम में से सही कौन है और गलत कौन है? नाना, मैं नहीं पीटूंगी रे। चलो जाओ बैठ जाओ। अरे पढ़ना लिखना ना है तो क्या हुआ? ये क्या चोरी डकैती ऐसा जुर्म थोड़े है? नहीं नहीं, आप नहीं जानती इन शैतानों को। हाँ। आज मास्टर ने कौन है यहाँ? आप जाओ। आप पढ़ो ना मैडम। मैं में मास्टर नहीं है, आपको कौन चाहिए? मास्टर नहीं? हाँ। मुझे तो बताया गया था कि यहाँ फिलहाल शिक्षक है ही नहीं, इसीलिए मैं जल्दी निकल आया, नहीं तो सोमवार को आता। क्यों, यहाँ शिक्षक ना होने से आपको क्या क्या इरादा है? हाँ? अरे यहाँ के गांव वाले इतने भोले वाले नहीं है बच्चम जी। अरे ये क्या बदतमीजी है, कैसे बोलने का तरीका है तुम्हारा? मुझे लेने को स्टेशन पे क्यों नहीं आया? अरे बड़ी अजीब बातें कर रहे हो आप, क्या नाम क्या है तुम्हारा? जानकी वल्लभ आचार्य। ये तो हमारी मास्टरनी का नाम है। ये मेरा नाम है। अरे ये तो किसी औरत का नाम लगता है, तो वो जब आई तो मुझे लगा कि वो ही मास्टरनी है। परमेश्वरी,
नाम परमेश्वरी नाम था, तो वो कभी स्कूल गई नहीं। वो बहुत चाहती थी स्कूल जाए, मगर उसकी माँ ने कहा तुम लड़की हो तो स्कूल नहीं जाओ। तो वो उसका भाई भी स्कूल जाना चाहता था, मगर बापू ने कहा तू जा जंगल में गाय चराने जा, तो वो गाय चराने गया। मैं बोली मैं स्कूल क्यों ना जाऊं, तो मेरा भाई भी बोला कि मैं स्कूल क्यों ना जाऊं, मैं गाय चराने ले जाऊंगा, शाम को स्कूल जाऊंगा। फिर मेरा भाई स्कूल गया, लेकिन मैं कभी स्कूल नहीं गई, माँ ने भेजा ही नहीं मुझे स्कूल। माफी दे दो मास्टर जी, माफी दे दो, गलती हो गई मास्टर जी, गलती हो गई मेरे से। आप कार कर दो मास्टर जी, कौन है तो नहीं है शत्रु का नहीं यार, इसलिए आप 5 मिनट रुक गया था। माफ कर दो मास्टर जी, अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो, 5 मिनट रुक गया, छोड़ो छोड़ो क्या था, अरे जब ठेसन पहुंचा तो आप निकल चुके थे। भाभी ये आपकी चिट्ठी, कमाल की औरत है। बच्चों के सामने मास्टर जी बनकर खड़े रहने में कितना मजा आया होगा, क्या क्या सिखाया उसने बच्चों को, गोविंद बोला आप उसके पाँव पड़े। अब इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे क्या पता ये मास्टर नहीं, नहीं अपनी चालाक भाभी है। इसका आदमी यहाँ नहीं है इसलिए इतनी चालाक बनी है। मैं होता तो जूता ही उठाता। हाँ जूता उठाना तो बहुत आसान है मर्दों के लिए, मगर उसकी हिम्मत की तो दाद दिया करो तुम लोग। बताओ तो जरा सबके सब धोखा खा गए। बिल्कुल, जिन बच्चों ने पहचाना वो भी मुश्किल में पड़ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती देवर जी ने पाँव पकड़े तुम्हारे। और बोला और गोविंद भी कुछ नहीं बोले। मुझे लगा ये भी एक नाटक है चाची का। जी जी औरतें कभी नाटक करती है वाला, बाहर किसी से ऐसी बात मत करना। हाँ क्यों रे बहू, मास्टर जी ने क्या कहा फिर? दादी मैंने 4 बार कहा है तुझे, बोले बड़ी होशियार है। देवरानी जानबूझकर आई थी हमें चिढ़ाने, हमारा बेटा शहर गया है ना, अब उसका ना जाए तो पितर स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे उसके। मगर सासू जी हमारे और उनके पिता तो एक ही है ना। अच्छा अच्छा जानकी। हाँ बुआ। जानकी आई बुआ। कहाँ गई तुम्हारी मास्टरनी बहू, उसे संभाल के रख नहीं तो नचाएगी सबको। अजी हाँ जब तक मैं जिंदा हूँ उसे पाँव में घुंघरू थोड़े ही बांधने दूंगी। तुम भी मुझे बिलावजह डरा रही हो बुआ, डांटो उसे कि फिर एक बार भी स्कूल की तरफ ना जाए। दीदी अब एक बार भी स्कूल की तरफ ना जाना, अब तो बार बार जाना पड़ेगा। वहां पर जो लिखा था वो भोला सही पढ़ रहा था या किशन, जरा मैं भी तो जानू। जब घर के बाहर सामने आया काला अक्षर, अक्षर का ये भेद मैं जानूं, अपने सपनों को पहचानूं, अपने सपनों को पहचानूं। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर, भैंस बराबर अपस मेरी, भैंस बराबर, भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर काला
अक्षर भैंस बराबर भैंस बराबर।